तो जनाब सुबह के 8 बज रहे हैं इस वक्त और मैं जा रही हूँ अपनी इंटर्नशिप के लिए। पहले एनएलई की क्लास होगी 8 बजे और फिर उसके बाद इंटर्नशिप है, तो वहीं से सीधा इंटर्नशिप के लिए चलेंगे क्लास के बाद। और आई एम ऑलरेडी लेट एज ऑलवेज। अभी हम लेके निकले हैं एनएलई की क्लास और अभी मैं लेने जा रही हूँ इंटर्नशिप। अब मुझे नींद आई हुई है, सच्ची कह रही हूँ। ये बिलाल है, इन्होंने भी एनएलई की क्लास ली है सुबह भी 8 बजे। मुझे लगता है इनका दिल कर रहा है 8 बजे तो आज लिया ना, मुझे लगता है इनका दिल कर रहा है इनका भी एनएलई पास हो जाए। और मेरे पीछे भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने एनएलई की क्लास ली। क्या कहे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है, आज भी 8 बजे है। हाँ तो आज 8 बजे सर भी कहते हैं बाद में, अब जाके जरा नींदें पूरी कर रहे। सर का भी नींद आई हुई थी बेचारे सर। अब इंटर्नशिप में चलते हैं, पता नहीं क्या किस तरह की इंटर्नशिप होगी। मैं डायरी भी घर भूल आई, इंटर्नशिप डायरी पता नहीं जाने भी देती है कि नहीं जाने देती, हमेशा मैंने कोने को करतूत गोलनी होती है। चलो चले। तो जनाब अभी हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। अभी पता है कौन सा सीन लग रहा है, वो नहीं मुन्ना भाई में कहते सुबह हो गई बाबू। अभी वो वाला सीन लग रहा है कि सुबह सुबह उठे हैं, सुबह सुबह इंटर्नशिप के लिए आए हैं हम लोग, अटेंडेंस हो रही है और हम बाहर लूर लूर घूम रहे हैं, अभी तक हम पहुंचे नहीं है। आवाम जागी पड़ी है इनकी, हमें नींद आई हुई है। बाकी मैं आप लोगों को जाके दिखाती हूँ इनका हाल। देखो कोहरे से ना इतनी वो सर्दी पड़ी हुई है ना, हालांकि स्नो नहीं हुई पर हर चीज़ फ्रीज हुई हुई है, सारे पौधों पे जमीन पे हर जगह स्नो ही स्नो है छोटी छोटी। चलो पहुँच के आप लोगों को फिर बताती हूँ। ये मेरे आगे भी आवाम जा रही है, मेरे आगे जा रही हूँ डॉक्टर अनीका तारिक, उनसे आगे जा रहे हैं लाल कपड़ों में डॉक्टर अकबर और डॉक्टर वहाब। और ये वाली स्नो थी जिसकी मैं बात कर रही थी कि स्नो है फ्रीज हुई हुई है हर चीज़, हाथ भी फ्रीज हो रहे हैं फिर भी मैं व्लॉग बना रही हूँ। ये हमारी इंटर्नशिप हो रही है जी। अभी हम हॉस्पिटल में पहुँचे, उन्होंने हमें कुर्सियाँ पढ़ा दी हैं, सम्मा ने कहती कुर्सियाँ लेके जाओ, लड़कों को दो दो पढ़ा दिया, हमें एक पढ़ा दिया, कोई तरीका है इनका, वी आर डॉक्टर्स मैन। फिर भी कुर्सियाँ पकड़ो। आवाम पे आवाम आ रही है, बैठने की जगह नहीं है। हाँ तो जनाब अभी हम लोगों की इंटर्नशिप खत्म हो गई है, जो भी 2-3 घंटे की थी, हम खुश खुश बाहर आ गए। मेरे साथ है डॉक्टर निजाम, डॉक्टर नसरुल्ला और डॉक्टर उमर। कर लेंगी तुम्हें लड़कियाँ पसंद। नहीं 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 नहीं, वो तो अभी अभी वीडियो ऑन की है मैंने। उमर तुम भी आ जाओ। ओके ओके जगह जा रहा है बस। और ये है डॉक्टर उमर जो काफी देर बाद मेरे व्लॉग में आ रहे हैं। ये कंप्लेन कर रहे थे आप मैं व्लॉग में लाती हूँ, व्लॉग बनाती ही नहीं हो। मैंने कहा तुम लोग आते ही नहीं हो। एक तो इन लड़कों के नखरे ना लड़कियों से भी ज्यादा होते हैं। इधर इधर फोन ना बोला फोन। नसरुल्ला की कंप्लेन है मेरे साथ लड़की नहीं फंसती। तुम पहले टिप्स देखो ट्रिक्स देखो लड़कियाँ फंसाने की, फिर तुम्हारे साथ लड़की फंस जाएगी। करतूत सही रखोगे तो लड़की फंस जाएगी है ना, सही कह रही हूँ ना। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, घर जाके नाश्ता वगैरह करूँगी और अगर शाम को मैम आई कोई जिनके पास जाना पड़ा तो फिर हम लोग मैम के पास जाएंगे, अदरवाइज आज मैं सारा दिन सुकून करूँगी, मज़ा आएगा। आज कितनी प्यारी धूप है। यार ये लोग, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग मेरे साथ होते हुए भी पछतो बोल रहे हो यार। चुप, उर्दू उर्दू बोलो ना, मुझे समझ आनी ना, मेरे व्यूअर्स को आनी समझ। तुम हमेशा रशियन बोल के मैम को पटाते होते हो। अल्लाह अल्लाह अस्तगफिर अल्लाह। पुराना आशिक पुराना नहीं नया। दुखी हो रहा है निजाम, निजाम दुखी नहीं होना। ओ
कितने प्यारे प्यारे गाने निजाम लगवा रहा है। ये होता है फायदा जब आपके ग्रुपमेट के पास गाड़ी हो, वो आपको घर ड्रॉप करके आएगा। निजाम तुम्हारी शादी पे हमने ये गाने चलवाने हैं। क्यों नहीं होगी, छड़े मरने। अब जी गानों की सिलेक्शन चल रही है नसरुल्ला की। मैं इंडिकेटर लगाया था, उसके बावजूद भी वो आ गया। तुम इंडिकेटर लगाओ ना लगाओ, तुम इसको गाड़ी पे ध्यान से चलाओ बस। एतबार कर लिया मैंने नसरुल्ला पे गाड़ी चलाने का, देखो क्या बनता है। माजदा तुम्हें क्या लगता है सही गाड़ी चलाता है? नहीं चलाता। माजदा कह रही नहीं चलाता सही गाड़ी। पर अब ये गाना मेरी पसंद का लगा है, मूनराइज। ओहो चलो कोई बात नहीं निजाम। तेरा मुखड़ा जी सिग्नल पे तो तुगु लगता है, नंबर कर दिल मेरा घर है इस टाइम। मैं तुम्हें ना गाड़ी से बाहर फेंक दूं। इतनी दूर ड्राइव करने आए मुझे और कह रहा मैं ट्रैफिक है। नहीं ट्रैफिक है तब तुम मुझे यहाँ पे उतार के जाओगे। क्या तुम टैक्सी के पैसे सदके में तुम्हारे टैक्सी के पैसे चाहे कहाँ गए मतलब इधर अपनी बूची तो दिखाओ। अभी मेरा कॉल है मेरा ओवर वाले अच्छा मेरा को करा दो। सुबह थर्मस में चाय डाल के ले आया करो यार। यार वो थर्मस उमर ने पता नहीं किधर गायब कर दिए, वो गायब हो गया। नहीं तो मैं हमारा तो काम सेट था। ओ इतनी दूर अब लेके जा रहा है, इधर ही कहीं पे स्टॉप कर ले गाड़ी। इधर ही कर रहा हूं, इधर ही कर रहा थोड़ा सा। ओके चल जा उधर, अभी सिग्नल बंद है। अच्छा अच्छा अब धक्के मार के निकालोगे क्या? पक्का? थैंक यू। अच्छा जी तो जनाब अभी मेरे फेलोज मुझे यहाँ पर ड्रॉप करके गए और ड्रॉप मुझे बेसमेंट के पास ही कर गया क्योंकि ट्रैफिक थी वहाँ पे, वन वे थी। हद हो गई मतलब, पर चलो कोई बात नहीं, फिर भी शुक्रिया। और अब मैं घर आ गई हूँ, नाश्ता वगैरह करूँगी जाके। वैसे मैं ना मुझे पता था देर हो जानी है तो मैं घर से ना ठूस के निकली थी, मतलब मैं खाना शाना थोड़ा बहुत लाइट सा खा के आई हुई थी। और अभी घर जाके प्रॉपर नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद अगर एक मैम है जिनका वेट है अगर वो आई तो फिर उनकी क्लास में चलेंगे। तो अब जनाब मैं घर आ गई हूँ और इस टाइम भी इतनी फोग है ना, हालांकि धूप निकली हुई है मुझे प्यारी लग रही है लेकिन सूरज के आगे भी बादल आए हैं। कोई हाल है अल्लाह मियाँ, अच्छी वाली धूप होती मैं बैठ के, होता ना पाकिस्तान में ऐसे धूप में बैठ के क्या कहते हैं उसको, सब घर वाले धूप में बैठते होते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते होते हैं तो फिर मज़ा आता है। अभी बहुत सर्दी है, हाथ फ्रीज हो रहे हैं। तो ये था जी महाराज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सारा कुछ कर दें। ठीक है मिलते हैं चला जरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।